इस बार ये कोई महर्षि महाराज या ज्योतिषज्ञ की भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये बड़ा खुलासा देखने को मिल रहा है। यूएन की 4000 पेज की एक रिपोर्ट गलती से लीक हो गई और उसमें ये पता चला दोस्तों कि 2050 में महाप्रलय आने वाली है। जी हाँ, करोड़ों लोग मारे जाएंगे और 2050 में धरती पर शुरू होगी महातबाही। लेकिन रुको, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये भविष्यवाणी ना किसी ज्योतिष ने की है, ना ही कोई एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से ये भविष्यवाणी निकल कर आ रही है, बल्कि ये तो खुद विज्ञान का कहना है। तो फिर आखिर साइंस इसे रोक क्यों नहीं देता? जी हाँ, जब साइंटिफिक एंगल से ही ये कहा जा रहा है कि 2050 में धरती पर महाप्रलय आएगा, तो आखिर विज्ञान इसे रोकने का प्रयास क्यों नहीं करती? और आखिर इस महाप्रलय के आने के पीछे कारण क्या है? तो आपके मन में सवाल आना बिल्कुल जाहिर है, मैं जवाब दूंगा इनका। दरअसल आपको पता होगा, पिछले साल 2020 से ही दुनिया कोरोना वायरस की महामारी से जंग लड़ रही है और इस वायरस ने देखते ही देखते दुनिया में लाशों की जड़ी बिछा दी। कई देशों में कब्रिस्तान की कमी हो गई। लेकिन ये कोरोना वायरस की महामारी तो 2050 में आने वाले महाविनाश के आगे बिल्कुल कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि 2050 में इतना भयंकर महाविनाश आएगा जिसका डर दुनिया के लोगों में जग चुका है। जी हाँ, क्या आपका हमारा सबका आखिरी दिन होगा? क्या वो खिलखिलाती हंसियाँ हमेशा के लिए रुक जाएगी? क्या सब कुछ व्यापार धंधे कारोबार दुनिया खत्म हो जाएगी? क्या विज्ञान की अब तक की जो खोजें वो वापस शून्य में मिल जाएगी? क्या आपके मेरे सब सपने वैसे हमेशा के लिए अधूरी रह जाएगी? क्या आपके फ्यूचर प्लानिंग हमेशा के लिए फ्यूचर में ही रह जाएगी? क्या आपके प्यार से आपकी शादी कभी नहीं हो पाएगी? क्या मानव सभ्यता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? क्या पृथ्वी प्रलय हो जाएगी या महाविनाश होगी? क्योंकि 2050 में इतना भयंकर महाविनाश आएगा, चारों तरफ भूख और भीषण गर्मी की वजह से धरती के करोड़ों लोग मौत के मुंह में समा जाएंगे। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो होगा वो होगा क्लाइमेट चेंज, यानी कि हमारे वातावरण में बदलाव के चलते 2050 में मानव खुद अपने विनाश की ओर आगे बढ़ जाएगा। दरअसल दोस्तों, हाल ही में यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट गलती से लीक हो गई थी। तकरीबन 4000 पेज की इस रिपोर्ट में पर्यावरण में हो रहे बदलाव का जिक्र है और पर्यावरण में जो पिछले भूतकाल से बदलाव आए उनका भी जिक्र है। साथ ही इसमें यह भी लिखा है कि अगर यही माहौल चलता रहा तो साल 2050 तक लाखों लोग भूखमरी के शिकार हो जाएंगे और ऐसा उस समय पड़े सूखे यानी कि अकाल की वजह से होगा। इसके अलावा कई ग्लेशियर्स तेजी से पिघलेंगे जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी और अभी तापमान एवरेज 5 डिग्री फारेनहाइट तक बढ़ रहा है और ऐसे में 2050 तक महाप्रलय मच जाएगा। पर्यावरण में आए कई बदलाव को इंसान झेल नहीं पाएगा और नतीजन धरती से करोड़ों अरबों लोगों की मौत हो जाएगी। यूएन की रिपोर्ट में लिखा दोस्तों कि अगले 27 साल बहुत भारी हैं हमारे लिए। हालांकि ये क्लाइमेट चेंज पर संयुक्त राष्ट्र के इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट अगले साल जारी होने वाली ही थी, लेकिन इससे पहले ये रिपोर्ट एजेंस फ्रांस प्रेस के हाथ लग गई और पता चल गया, सब कुछ मीडिया में खुलासा हो गया। इस रिपोर्ट में ये कहा जा रहा दोस्तों कि अगले 27 साल तक हर साल पृथ्वी का तापमान तकरीबन 2.7 डिग्री फारेनहाइट से भी ज्यादा बढ़ेगा और इसके गंभीर परिणाम हमें 2050 में देखने को मिलेंगे। साल 2050 आते आते तक संभावित रूप से दुनिया भर में 130 मिलियन लोगों को भूखमरी का सामना करना पड़ेगा, जबकि 350 मिलियन लोग सूखे में प्रभावित होंगे और 420 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को हीट वेव का सामना करना पड़ेगा। यूएन की रिपोर्ट में कहा गया है दोस्तों कि सबसे बुरा समय आना अभी बाकी है और जो हमारे बच्चे और पोते पोती होंगे ना, उनको ये जीवन सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा। लेकिन 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 अब सवाल ये पैदा होता दोस्तों कि आखिर अभी 2050 आने में तो 29 साल बाकी है, क्योंकि अभी साल 2021 चल रहा है, राइट? तो साल 2050 तक क्यों ना हम इसे रोक दें? क्यों ना, आखिर आज हमारी साइंस विज्ञान इतनी तो डेवलप हो चुकी है, ऐसा कोई काम करे, ऐसी कोई सुपर पावर विकसित करे कि आने वाले सालों में होने वाली इस तबाही को रोक दे। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसे रोक पाना असंभव है। हाँ, हम अपने थोड़े प्रयासों में सुधार करके इसको थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं, यानी कि 2050 की जगह 2060, 2080 या 3000 से भी आगे खींच सकते हैं इसको। लेकिन बिल्कुल रोक पाना नामुमकिन है, क्योंकि हम इंसानों ने धरती के पर्यावरण का वो हाल करके रख दिया है जो शायद आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। रोजाना
रोजाना फैक्ट्रियों से निकलने वाला कल कारखानों का धुआं, रोजाना आपकी गाड़ी कार बाइक से निकलने वाला धुआं, ये सब कुछ हमारे वातावरण में ही घुल रहा है। और हमारे वातावरण के ऊपर पाए जाने वाली ओजोन परत पर कितने छेद हो चुके हैं आपको पता ही है। और इससे अल्ट्रावायलेट सूर्य की किरणें अब धरती पर आना शुरू हो चुकी है, जिससे धरती का तापमान बढ़ना भी शुरू हो चुका है। क्योंकि हम जंगलों को काटते जा रहे हैं आए दिन, इसीलिए पृथ्वी पर टेम्परेचर मेंटेन नहीं रह पा रहा और धरती गर्म ज्यादा होने लगी। और इसीलिए हम अपने कुछ प्रयास करके इस खतरे को थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा सकते हैं, पर्यावरण प्रदूषण के कारणों को कम कर सकते हैं, धरती पर बढ़ती कार्बन की मात्रा को कम कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं, इन सब कुछ पहलुओं पर ध्यान देने के बावजूद भी इस खतरे को बिल्कुल रोक पाना नामुमकिन है, क्योंकि हमने प्रकृति के साथ इतनी छेड़खानी कर दी है। इसलिए दोस्तों, आज ही प्रण ले, आप भी अपनी जिंदगी में एक पौधा जरूर लगाएं, एक पेड़ को बड़ा करें। यहां तक कि रिपोर्ट का यह भी कहना दोस्तों कि साल 2050 तक धरती से कई जीवों की प्रजातियां बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और इन सब के पीछे कारण कौन होगा पता है? हम खुद इंसान। क्या धरती पर दूसरे जीवों की प्रजातियों को जीने का कोई अधिकार नहीं है? तो हमने उनसे वो अधिकार क्यों छीना? हमने जंगल काट दिए, उनके घर उजाड़ दिए। इंसान ने अपने फायदे के लिए प्रकृति के दूसरे जीवों को तुच्छ समझना शुरू कर दिया, और इसलिए प्रकृति अपना प्रकोप दिखाने आ रही है 2050 में। खैर, जो यूएन की रिपोर्ट थी वो मैंने आपको बता दी। फिलहाल डरने की कोई बात नहीं है, पर्यावरण प्रदूषण के कारणों पर आप भी ध्यान दें और अपनी भूमिका जरूर निभाएं इसको स्वच्छ करने में। और बाकी तो देखते हैं वक्त के साथ आगे आगे होता है क्या। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, ताकि उनको भी ये काम की इंपॉर्टेंट जानकारी मिल जाए। और हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।